सूखा रोग या रिकेट्स एक तरह की हड्डियों से जुड़ी बीमारी है जो छोटे बच्चों को जल्द अपनी चपेट में ले लेती है। इस विकार में हड्डियां काफी नरम हो जाती हैं और उनके टूटने, मुड़ने या उनमें कुरूपता आने के जोखिम बढ़ जाते हैं। सूखा रोग का मुख्य लक्षण विटामिन डी की कमी होता है और ये रोग कुछ अनुवांशिक स्थितियों की वजह से भी हो सकता है, लेकिन छोटी छोटी सावधानियों से हम अपने बच्चों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। लिहाजा आज हम आपको बच्चों में होने वाले सूखा रोग और उससे बचने के तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। सूखा रोग के लक्षणों में हड्डियां कमजोर होना, टांगे मुड़ना, मांसपेशियां ढीली पड़ना, शारीरिक विकास में कमी और बौनापन जैसी दिक्कतें शामिल हैं। डॉक्टर इस हालात की जांच करने के लिए मरीज का शारीरिक परीक्षण तो करते ही हैं, साथ ही एक्सरे और खून की जांच भी की जाती है, जिसमें विटामिन डी के स्तर को परखा जाता है। इसके लिए ब्लड टेस्ट भी किया जा सकता है। यह बीमारी ज़्यादातर विटामिन डी की कमी से बच्चों को घेरती है, लिहाजा आपको चाहिए कि अपने बच्चों में विटामिन डी की कमी ना होने दें। सूखा रोग के ज़्यादातर मामलों का इलाज विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट के साथ किया जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक निर्धारित किए गए सप्लीमेंट्स की खुराक का पालन करना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर बच्चे की टांग, बाजू, पेल्विस या रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है या छूने पर दर्द महसूस हो रहा है तो उसमें सूखा रोग डेवलप हो रहा है। इतना ही नहीं, कलाई, कोहनी और टखनों में सूजन होना भी इस बीमारी की पहचान है। इस बीमारी में हड्डियों के सिरे सामान्य से बड़े हो जाते हैं, दांतों की कुरूपता, दांत विकसित होने में देरी, दांत की बाहरी परत में छेद, मसूड़ों में फोड़ा और दांतों की संरचना में खराबी भी सूखा रोग के लक्षणों में शामिल है। अगर आपके बच्चे में सूखा या रिकेट्स के संकेत दिखाई दे रहे हैं तो उसी समय डॉक्टर से संपर्क करें। कई बार गर्भावस्था के दौरान महिला में विटामिन डी की कमी की वजह से पैदा होने वाला बच्चा सूखा रोग से ग्रस्त हो जाता है। अगर आप अपने बच्चों को सूखा रोग से बचाना चाहते हैं तो ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जिसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी मौजूद है। नियमित रूप से थोड़ा बहुत धूप के संपर्क में आकर भी रिकेट्स से बचाव किया जा सकता है। सूखा रोग की रोकथाम के लिए आपको सिर्फ अपने हाथों और चेहरों को धूप के संपर्क में लाना होता है। ज़्यादातर नौजवान पर्याप्त रूप से धूप के संपर्क में आ जाते हैं। यह भी याद रखना ज़रूरी है कि ज़्यादा धूप के संपर्क में आने से खाल भी झुलस सकती है। अपने खानपान में आपको विटामिन डी के लिए मशरूम, अंडे और दूध जैसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।